सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग करने वाली गैंग का स्थानीय पुलिस ने भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। सीआई मुश्ताक खान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में गैंग के 4 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया है। सीआई मुश्ताक खान ने थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठरणा में भरे बाबा रामदेव के मेले में चेन स्नेचिंग की वारदात होते ही सादा वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने शहर में संदिग्ध अवस्था में इनोवा कार में घूम रहे पुरुष और एक महिला को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। दूसरी ओर चेन स्नेचिंग की चेन ले जा रहे सोनू नामक आरोपी को फागड़वा गांव तक जाकर पुलिस ले आई है। सीआई मुश्ताक खान ने बताया कि ठरडा के मेले में सादा वर्दी में तैनात कांस्टेबल महावीर विक्रम निवास सुनीता को तैनात किया गया था। इसी प्रकार अन्य पुलिस जाब्ता भी मेले में तैनात रहा। जो ही आरोपी महिला ने चेन तोड़ी तो वहां सादा वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि अलवर भरतपुर से चेन स्नेचिंग की गैंग यहां पर आई हुई है, जिस पर पुलिस ने सक्रिय होकर शाम को शहर में तलाशी ली और इनोवा कार में घूम रहे दो अन्य लोगों को पकड़ लिया और कार जब्त कर ली। वहीं एक आरोपी को जो लूट की चेन ले जा रहा था सीकर के फागलवा के पास बस में से उतार कर पुलिस लाई है। पुलिस ने सोनू उम्र 26 साल जाति जाटव निवासी इकरान भरतपुर, धर्मा सिंह जाटव निवासी बख्तल चौकी अलवर, श्रीमती शकुंतला उम्र 55 साल श्रीमती आरती को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और अन्य घटनाओं का खुलासा करने के अभी पुलिस प्रयास करेगी। दूसरी ओर छापर के वार्ड नंबर 5 के निवासी अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की मेले के दौरान चेन टूट जाने का मुकदमा भी स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। फिलहाल बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। ये सावन भादो में होने वाले मेलों में बार बार जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है। जगह जगह पर चेन स्नेचिंग या चेन तोड़ने की जो घटनाएं महिलाओं के जागरण या अन्य जो धार्मिक उत्सवों में जो है महिलाओं के साथ में मिल करके जो ये आपराधिक किस्म की महिलाएं उनमें प्रवेश करके जो चेन वगैरह तोड़ लेती है, इस तरह की घटनाएं इन दिनों में काफ़ी जगह पर जो है सामने आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ठरडा मेले में मैंने पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया था। वहाँ पर जो है मैंने 4 आदमी जो है सादा वस्त्रों में तैनात किए, जिसमें एक महिला कर्मी भी थी और उनकी सतर्कता से कल हमने जो है इस चेन से स्नेचिंग की चेन तोड़ने वाले गैंग के 4 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, जिनको जो है लेकर गए। इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान हरिद्वार रामदेवरा और अन्य छोटे बड़े सब मेलों में जो है कई जगह पर अपनी वारदातें इन्होंने करना बताया है। इसके अलावा हमने जो है ठरडा में कल एक वारदात हुई थी, उसमें भी इन्होंने जो है इस वारदात में शरीक होना बताया और हमने इनसे एक सोने की चेन भी बरामद की है और इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज करके जो है अनुसंधान जारी है और विस्तृत पूछताछ जारी है।